अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फ्यूचर में कभी बिजनेस करना चाहते हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी कैसे है, चलानी कैसे है, कंप्लाइंसेस क्या क्या होती है, टैक्स कितना लगता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली किन केसेस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों वेलकम टू बिजनेस बेसिक्स एपिसोड नंबर 5। मेरा नाम है ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेबल एडवाइजर। तो बिजनेस बेसिक्स के बाकी एपिसोड के तरह ही इस एपिसोड में भी हमने बुलाया है सी अनूप भाटिया को। वो इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत अमेजिंग वीडियोस अपने चैनल पर डालते रहते हैं जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल द टाइम स्टैम्प्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट लिंक्स विल ऑल्सो बी इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो खत्म होने के बाद आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी, इन तीनों शब्दों को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले प्राइवेट। प्राइवेट मतलब ये कंपनी प्राइवेटली ओन्ड है। लिमिटेड मतलब इसमें जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। एंड कंपनी मतलब ये रेगुलेट की जाती है कंपनीज एक्ट के तहत और इसे गवर्न करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA। ये शब्द आप काफी बार सुनेंगे। अब आप पूछेंगे लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब आपके बिजनेस के अगेंस्ट जो भी लायबिलिटीज है वो इन टर्म्स ऑफ डेट हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस लॉस हो सकती है, वो एक शेयर होल्डर की लिमिटेड हो जाती है अगर वो प्राइवेट लिमिटेड का पार्ट होता है। उस शेयर होल्डर की लायबिलिटी उसके शेयर होल्डिंग कैपिटल के बराबर ही होती है, यानी उस व्यक्ति की उस कंपनी में जितनी हिस्सेदारी है उतने ही अमाउंट के लिए भी व्यक्ति लायबल है। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में बात करी थी प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म के केस में ये लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी ओनर के एसेट्स को बेच कर भी पैसा रिकवर किए जा सकते हैं लोन का, लॉस का। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में ये लायबिलिटी लिमिटेड होगी। अब आप पूछेंगे कि भाई ये लिमिटेड लायबिलिटी तो LLP में भी होती है, फिर प्राइवेट लिमिटेड अलग से बनाने का क्या मतलब है? तो इसको भी मैं एक उदाहरण से आपके सामने रखता हूँ कि मान लीजिए आप और मैं दोनों मिलकर के 10-10 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, से स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, एंड वी आर द इन्वेस्टर्स। लेकिन हमारे दो ऐसे मित्र हैं जो उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। जब हम पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी हमारा, लेबर भी हमारी, यानी मेहनत भी हमारी, यानी हमें उस बिजनेस में इन्वॉल्व होना है। लेकिन अगर हम दोनों ने मिलकर के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जिसमें 10-10 लाख की पूंजी लगा दी और अपने दो फ्रेंड्स को जो कि टेक्नो सेवी हैं वो अच्छा काम कर सकते हैं, उनको डायरेक्टर बना करके कंपनी में काम शुरू किया, मान लीजिए हम उन्हें रेमुनरेशन वगैरह दें, तो हमारे को तो शेयर होल्डर वैल्यू मिलेगी बेनिफिट में, उनको उनका रेमुनरेशन मिलेगा। यानी एक बहुत बड़ा डिफरेंस LLP में और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, ऋषभ जी, जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द ऑनरशिप एंड द मैनेजमेंट, ठीक है। कि LLP के कॉन्सेप्ट में जो ऑनर है वही मैनेजमेंट है, वही मैनेज भी कर रहा है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ऑनर अलग पर्सन हो सकता है और कंपनी को मैनेज करने वाला डायरेक्टर अलग पर्सन हो सकता है। तो अब हमें ये चूज करना है कि फिर हमें क्या सूट करता है, शुड वी क्रिएट LLP और शुड वी क्रिएट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब समझते हैं प्राइवेट लिमिटेड कौन बना सकता है। तो अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करनी है तो मिनिमम इसमें 2 डायरेक्टर और 2 शेयर होल्डर आपको चाहिए। अब ये शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सेम हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं, पर पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। जब आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो उसके शेयर इश्यू किए जाते हैं। जो लोग इस शेयर को सब्सक्राइब करते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। अब हो सकता ही नहीं किसी शेयर होल्डर्स में से कोई डायरेक्टर भी हो जो कंपनी के गवर्नेंस को, कंपनी को चलाने का काम करता हो, लेकिन ये डायरेक्टर अलग भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के बीच में से ही चुना जाए। कई बार प्रोफेशनल्स को कंपनी को रन करने के लिए बुलाया जाता है, वो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं और शेयर होल्डर्स कंपनी के प्रॉफिट को एंजॉय करते हैं, कंपनी की ग्रोथ को एंजॉय करते हैं, वहीं डायरेक्टर्स अपनी सैलरी या रेम्यूनरेशन कंपनी से ले सकते हैं। कुछ केस में ऑब्वियसली शेयर होल्डर ही डायरेक्टर बन सकते हैं। तो मान लीजिए आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है तो आपको मिनिमम 2 शेयर होल्डर चाहिएंगे और मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिएंगे, यानी 2 लोग लगेंगे। उन्हीं को आप शेयर होल्डर भी बना सकते हैं और उन्हीं को आप डायरेक्टर भी बना सकते हैं। अ फॉरेन रेजिडेंट मे बिकम अ शेयर होल्डर इन इंडिया सब्जेक्ट टू FDI पॉलिसी ऑफ इंडिया। ऐसे ही अ फॉरेन रेजिडेंट मे बिकम डायरेक्टर इन एन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोवाइडेड देयर इज एटलीस्ट 1 डायरेक्टर which is an Indian director in the company।
कम से कम एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए, इंडियन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी कैसे है? तो अगर आप एक सीए या सीएस नहीं है तो ये मान के चलिए कि आप खुद से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बना पाएंगे, उसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी होगी। मैं आपको बस स्टेप्स यहां पर समझा रहा हूं। स्टेप नंबर वन, आपको बनाना पड़ेगा एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डीएससी जिसे बोला जाता है। नंबर सेकंड, आपको लेना पड़ेगा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जितने भी डायरेक्टर कंपनी में जुड़ने वाले हैं। नंबर थर्ड, आपको एक नेम अप्रोप्रिएट चुनना पड़ेगा अपनी कंपनी का, जो पहले जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड बनी हुई उनसे मैच नहीं करता हो, आसपास भी नहीं हो। इसके लिए आप 6 नाम तक एमसीए में सबमिट कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ पोर्टल्स जहां पर जाकर आप ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड कंपनी है उनके नाम आप देख सकते हो और अपनी कंपनी का थोड़ा डिफरेंट नाम रख सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड के केस में आप नेम के सफिक्स में प्राइवेट लिमिटेड ये लगाएंगे। स्टेप नंबर फोर, ड्राफ्ट किया जाएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दो डॉक्यूमेंट होते हैं जो बताते हैं कि आपकी कंपनी किस तरह से चलेगी, कौन कौन से इसमें शेयर होल्डर रहेंगे, कैसे इसे ओवरऑल गवर्न किया जाएगा, और ये दोनों डिजिटल कॉपी में एमसीए की साइट पर अपलोड किए जाते हैं। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि एमओए और एओए कंपनी की पार्टनरशिप डीड है। ये सारा प्रोसेस होने के बाद 2 से 6 वीक में आपका नाम का अप्रूवल आएगा। और अभी एमसीए पोर्टल पर एक रीसेंट अपडेट आया है जिसमें जब आप कंपनी के सिन नंबर के लिए, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई करेंगे तो उसी के साथ आपका पैन नंबर, जीएसटी नंबर, टैन नंबर, पीएफ नंबर, ईएसआई नंबर सभी एक साथ जनरेट हो जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद 2 से 6 वीक लगते हैं अप्रूवल के लिए, और उसके बाद कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट सिन नंबर आपके पास आ जाता है, जिसको यूज़ करते हुए और बाकी जो पैन और बाकी डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हुए आप कंपनी का एक करंट अकाउंट खुला सकते हैं और अपना बिजनेस धड़ल्ले से शुरू कर सकते हैं। अब देखो, वैसे प्राइवेट लिमिटेड आप कंपनी बना रहे हो तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स टर्म है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एज अ डायरेक्टर, एज अ स्टार्टअप फाउंडर कुछ थोड़ी बहुत टर्म आपको बिगनिंग में पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली, शुरू में उसमें 10,000 शेयर आपने रखे कि इस कंपनी को हम 10,000 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। हर टुकड़े की जो फेस वैल्यू रखी, जो इनिशियल वैल्यू रखी, उसे बोला जाता है फेस वैल्यू, वो आपने रखी 10 रुपये। तो ये जो 10,000 शेयर थे ये आपके कहलाए ऑथोराइज्ड शेयर। उसको आपने जब मल्टीप्लाई किया 10 रुपये की वैल्यू से तो टोटल 1,00,000 रुपये आपकी वैल्यू हुई, और ये वैल्यू कहलाई ऑथराइज्ड कैपिटल। अब जितनी आपकी इनिशियल ऑथराइज्ड कैपिटल है उतने ही अमाउंट के शेयर्स, यानी 10,000 शेयर ही आप शेयर होल्डर्स में बांट सकते हो, उससे ज़्यादा आपकी कंपनी का शेयर्स देने के लिए हैं ही नहीं। तो इसमें से शुरू में ही सारे 10,000 शेयर बांट देना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप 2 फाउंडर्स हैं और आप बोले हम 30-30% शुरू में शेयर लेना चाहते हैं, तो आपने उन 3,000 शेयर्स के लिए 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपये, यानी 30,000 रुपये की पेड अप कैपिटल इंडिविजुअली, कुल मिलाकर 60% कैपिटल आपने कंपनी में डाली और 3,000 शेयर्स ले लिए। तो ये जो शेयर कहलाए, ये कहलाए इश्यूड शेयर, और उसके अगेंस्ट जो आपने कैपिटल दी वो कहलाई पेड अप कैपिटल। अब जो बचे हुए शेयर्स हैं वो अनइश्यूड शेयर हैं, यानी 4,000 शेयर अभी तक आपके यहाँ स्पेंडिंग पड़े हैं आपकी कंपनी में, जो आप ऑथोराइज्ड हैं लेकिन अभी तक किसी को इश्यूड नहीं है। अब मान लीजिए 1 साल तक आपने कंपनी को अच्छा ग्रो किया, काफ़ी बढ़िया टर्नओवर आया, उसके बाद एक इन्वेस्टर आता है आपके पास और बोलता है कि मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो इन अनइश्यूड शेयर्स में से आप से उसे 10% शेयर बेचना चाहते हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो 1,000 शेयर यानी 10% आप उस इन्वेस्टर को दोगे, ये 10 रुपये की फेस वैल्यू पर दोगे। आप 1 साल बाद, आपने कंपनी चलाई है, उसको अच्छा ग्रो किया है, उसका वैल्यूएशन करवाएंगे, और जो भी वैल्यूएशन के आधार पर मान लीजिए कंपनी की वैल्यू पर शेयर 100 रुपये आ जाती है, तो उस इन्वेस्टर को 100 रुपये पर ये शेयर सब्सक्राइब करने होंगे, यानी 10 रुपये की फेस वैल्यू प्लस 90 रुपये का प्रीमियम। अब कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपने जितने भी ऑथराइज शेयर थे सारे के सारे दे दिए और आपके पास फिर कोई इन्वेस्टर आ रहा है या फिर कोई नया शेयर होल्डर आ रहा है, तो उसे आप शेयर किस तरह से इश्यू करेंगे? तो इस पर्टिकुलर केस में आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अच्छी प्रैक्टिस ये रहती है कि आप थोड़े से शेयर अनइश्यूड रखें ताकि उसे बाद में आप बिना ज़्यादा गवर्नमेंट अप्रूवल के किसी शेयर होल्डर को, किसी इन्वेस्टर को दे सकें। एक और चीज़ समझ लेते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलती कैसे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चलाता है इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, नए इन्वेस्टर्स आते जाते हैं, वो अपनी तरफ से और डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये जो बोर्ड बनता है डायरेक्टर्स का, ये ओवरऑल डिसीजन लेता है। इनमें एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, इमरजेंसी केसेस में और भी मीटिंग्स बुलाई जा सकती है, और ओवरऑल बोर्ड गवर्न करता है कि कंपनी किस तरह से चलेगी। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऋषभ जी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू शेयर होल्डर, क्योंकि डायरेक्टर इज वर्किंग इन फ्यूडिशरी कैपेसिटी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। उसके ऊपर कंपनी, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो खुद से क्या करेगी।
तो उसके बिहाफ पर कौन सारे एक्शन कर रहे हैं? डायरेक्टर यानी कंबाइंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर मान लो कंपनी ने कुछ फर्जीवाड़ा किया, गलती करी लोगों के साथ पे, चीटिंग करी, तो उसके लिए कौन लाइबल है? शेयर होल्डर नहीं लाइबल है, डायरेक्टर। तो ये समझना बहुत है कि मान लीजिए अगर मैं रिस्क नहीं ले सकता इस तरीके की, या मैं कहता हूं जी मेरे पास तो समय नहीं है मैनेज करने का, तो ठीक है, देन आई एम मेयरली अ शेयर होल्डर। ठीक है, मेरा रोल आएगा, मेरा रोल आएगा जब कंपनी एजीएम करेगी, जब कंपनी ईजीएम करेगी, तब कोई कंपनी के रेजोल्यूशन होंगे तो उनका अप्रूवल मैं करूंगा, क्योंकि मेरे पास मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। ठीक है, तो मेरी अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग मेरे पास है, लेकिन डे टू डे डिसीजन मेकिंग मेरे पास नहीं। आप बोलेंगे मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मेरे पास क्या पावर है? आपके पास पावर ये है कि आप इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो उनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। ये ऐसा ही हो गया कि हम सभी मिलकर वोट करते हैं और हमारी गवर्नमेंट को चुनते हैं। अब गवर्नमेंट 5 साल तक अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग करती है और आपके पास फिर से मौका आता है। आप चाहें गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया तो उसे एक बार और 5 साल की टर्म दे सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा काम नहीं किया तो आप नई सरकार भी चुन सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो कंपनी को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो डायरेक्टर्स हैं, और अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ी होती है तो शेयर होल्डर्स को नहीं पकड़ा जाता है, डायरेक्टर्स को पकड़ा जाता है। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, वो है इनकम टैक्स। आखिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर कितना टैक्स लगेगा? तो कई लोगों को ये नोशन रहता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर टैक्स रेट प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म से काफ़ी कम है, जो बात सही भी है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड पर एक 30% की स्लैब तो है ही, लेकिन उसके नीचे भी 25%, 22%, 15% की स्लैब है, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। अमूमन मान लीजिए कि ज्यादातर कंपनी में 25% या उससे नीचे का टैक्स रेट ही आज की डेट में लग रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपनीज पर रेट घटाना शुरू कर दी, और आज की डेट में जो व्यवस्था है वो क्या है कि अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक का है तो आपकी टैक्स रेट इंडिया में 25% है एज अ कंपनी। पहला बेनिफिट हुआ, 5% टैक्स रेट कम हो गई। ठीक है, दूसरा, फिर सन 2019 में इफ आई एम करेक्ट, गवर्नमेंट 2 स्पेशल सेक्शन लेकर के आई और उसमें ये बोला कि अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है, ठीक है, तो हम आपको मात्र 15% टैक्स रेट लगाएंगे। तो देखिए कितना डिफरेंस हो गया, आधा, 30% पार्टनरशिप में, यहां पर 15%। और अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, चाहे एग्जिस्टिंग कंपनी है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है जिसे 15% मिलेगा ऋषभ जी बेनिफिट, वो तो होगी नई कंपनी। और दूसरी जो कंपनियां हैं जो पहले से थी या नई बन रही हैं और मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, या पुरानी है जो मैन्युफैक्चरिंग में, उनको एक ऑप्शन दिया 22% का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कंपनी से प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। जैसा आपने पार्टनरशिप फर्म वाले वीडियो में समझा था कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म से अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन लेते हो, अपना प्रॉफिट का शेयर लेते हो, तो वो प्रॉफिट का शेयर पार्टनर के बुक्स में टैक्स एग्जम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म ने उस पर 30% टैक्स दे दिया है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में कंपनी ने ऑलरेडी 25% टैक्स दिया हो, उसके बाद भी अगर वो आपकी बुक्स में आता है पैसा, प्रॉफिट का डिविडेंड आता है, तो आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से वो टैक्स होगा, यानी यहाँ पर डबल टैक्सेशन होता है। इसके बारे में हम एक एग्जांपल भी कुछ ही देर में समझेंगे। एक और चीज़ का ध्यान रखिए, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन्हें किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन, कमीशन, इवन सैलरी, अगर वो कंपनी में काम नहीं कर रहे हो तो सैलरी किसी भी प्रकार से कंपनी पेमेंट नहीं कर सकती। वो केवल और केवल कंपनी का डिविडेंड ले सकते हैं, या फिर जो कंपनी के शेयर्स हैं उनकी वैल्यू जो अप्रिशिएट हो रही है उसको एंजॉय कर सकते हैं, उस शेयर्स को आगे बेचकर। लेकिन कंपनी से किसी भी प्रकार का पैसा अदर देन डिविडेंड शेयर होल्डर नहीं ले सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कंप्लायंसेस बाकी किसी भी बिजनेस एंटिटी के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। इसमें आपके पास बाकी कंप्लायंसेस जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी और लेबर लॉस तो आते ही आते हैं, बल्कि एमसीए के भी बहुत सारे नॉर्म्स और बहुत सारी कंप्लायंसेस आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाईली रेगुलेटेड एंटिटी है और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स, जी हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आप किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट, उसकी एमओए, एओए, बाकी फाइलिंग्स चेक करना चाहते हो तो आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपका कोई दोस्त बोलता है कि यार मेरे बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हुआ और आपको लगता है कि नहीं नहीं यार ये तो झूठ बोल रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह खुद से निकाल सकते हो। एक नॉमिनल आपको फीस देनी होगी एमसीए की वेबसाइट पे, या देर आर लॉट ऑफ थर्ड पार्टी वेबसाइट्स एज वेल, और वहां से आपको इस सारे डॉक्यूमेंट्स का बंडल मिल जाएगा। अगर मैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू यही बात करता हूं, तो चाहे आप फर्म हो, एलएलपी हो, कंपनी हो, आपके लिए रिटर्न भरना मैंडेटरी है।
कंपनी को टैक्स ऑडिट तब चाहिए जब सर उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। दो ऑडिट हो गई कंपनी में, एक ऑडिट हो गई स्टेचुटरी ऑडिट एज पर कंपनी से। दूसरा, अगर 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है कंपनी का तो फिर कंपनी को भी टैक्स ऑडिट भी करानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो टैक्स ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी एज अ कंपनी आपको जब आप 25% 30% रेट में हैं तो एक मैट टैक्स लायबिलिटी और होती है, वो कंपेयर करना पड़ता है कि नॉर्मल टैक्स ज्यादा है या मैट ज्यादा है, विच एवर इज मोर विल बी पेएबल बाय द कंपनी। ये कंपनीज के केस में एक अलग से मैट टैक्स लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मिलती जुलती दो और कंपनियां हैं, वो है ओपीसी एंड पब्लिक लिमिटेड। ये दोनों क्या होती है? ओपीसी और प्राइवेट लिमिटेड में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय एक मेजर डिफरेंस के, कि इसमें जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 शेयर होल्डर 2 डायरेक्टर होते थे, इसमें एक सही आपका काम चल जाता है। हाँ, उस डायरेक्टर का आपको एक नॉमिनी जरूर डिफाइन करना होता है, अदरवाइज एक पर्सन ही कंप्लीट कंपनी पे अपना कंट्रोल रख सकता है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड केस में एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए थे। और ये पब्लिक लिमिटेड क्या होता है? पब्लिक लिमिटेड को सबसे पहले आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उनके नाम के आगे केवल लिमिटेड लिखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड नहीं। जो भी कंपनीज आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड दिखेगी वो सारे अपने नाम के आगे लिमिटेड लगाएगी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो वैसे तो शेयर होल्डर टर्म्स में डिफरेंस इतना ही है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 शेयर होल्डर और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 शेयर होल्डर चाहिए। डायरेक्टर की संख्या सेम है, डायरेक्टर वहां पर 3 पब्लिक लिमिटेड में, तो प्राइवेट लिमिटेड में 2, मैक्सिमम दोनों में 15। जो मेन पॉइंट आता है ना वो क्या आता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर होल्डर अपनी शेयर होल्डिंग एक्सचेंज नहीं कर सकता। अब बोलो जी इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं शेयर होल्डिंग ना चेंज कर पाऊं। मान लीजिए आज आप और मैं 2 शेयर होल्डर मिलकर के एक कंपनी खोलते हैं, ठीक है, किसी वजह से हमारी नहीं बनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब हमारे कंपनी के 2 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जनरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से अपने शेयर्स के ट्रांसफर को रेस्ट्रिक्ट कर देती है, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट करने का क्या पर्पज है? कल मान लो मैं निकल जाऊं 50% शेयर होल्डर और किसी थर्ड पार्टी को आपके साथ छोड़ जाऊं कि भैया मैंने तो वो फलाने पर्सन को शेयर ट्रांसफर कर दिए, अब उसकी और आपकी रिदम बैठती नहीं, तो फिर आप कैसे चला लोगे कंपनी, ठीक है, क्योंकि वो उत्तर दिशा में जा रहा है, आप दक्षिण दिशा में जा रहे हो। सो ये जो चीज है ना, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने बोला भाटिया जी आप ऐसे नहीं जाओगे, जाओगे तो एक राइट ऑफ प्रीएम्पशन भी होता है। उसमें क्या होता है कि आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलना पड़ेगा कि साहब मैं निकलना चाह रहा हूं, क्या मेरी शेयर होल्डिंग आप लेना चाह रहे हो क्या? तो फर्स्ट राइट आपका, अच्छा ठीक है अनु भाटिया निकल रहा है, इसकी कैपिटल हम ले लेते हैं, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा कि अच्छा वो वाई को मैं देना चाह रहा हूं। तो अब आप एज अ कंपनी अगर मुझे परमिशन दोगे कि ठीक है भाई कंपनी इसका नोटिस निकालेगी, या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर खरीद ले, और अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं खरीद रहा तो फिर ऐसी परिस्थिति में दूसरे शेयर होल्डर को शेयर ट्रांसफर होगा। ये जो प्रोसेस है ये चलती है स्पेसिफिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो जब हमें कंट्रोल पक्का रखना है, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होने देना कंपनी पे से, तो हम क्या बनाएंगे? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। और जब हमें लगता है कि आने दो जनता जनार्दन शेयर्स में डील करे, बड़ा काम करेंगे, लिस्टिंग पे जाएंगे, तो वो एक लंबा खेल है, उसमें हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना के काम करें। उसी के साथ इसमें ऑब्वियसली कंप्लायंसेस भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बहुत ज्यादा होती है। इससे पहले कि हम बात करें कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों नहीं बनानी चाहिए, एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में बात करते हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज जो बहुत ज्यादा वायरल हुई वो थी कि ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने अपनी कंपनी से 100 करोड़ रुपए का सैलरी का अप्रूवल ले लिया, और ना सिर्फ अपने लिए, अपने भाई के लिए और अपनी वाइफ के लिए भी 100 करोड़ ईच सैलरी अप्रूवल उन्होंने कंपनी के बोर्ड मीटिंग में ले लिया है। अब उन्होंने कंपनी से सैलरी ही क्यों ली, वो कंपनी से पैसा एज अ डिविडेंड क्यों नहीं ले सकते थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है और मेजॉरिटी शेयर होल्डर वही हैं, तो उनके पास कंपनी से डिविडेंड भी तो आ सकता था। उन्होंने एक ब्लॉग लिखकर ये सारी सिचुएशन क्लियर करी, और मैं आपको ये नंबर समझाना चाहता हूँ कि अगर आप कंपनी से एज अ डिविडेंड पैसा लेते हैं या एज अ सैलरी पैसा लेते हैं तो आपके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एज अ डिविडेंड पैसा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले मान लीजिए कंपनी को 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, 100 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर कंपनी को 25 करोड़ रुपए 25% टैक्स देना होगा। इसके बाद जो बचा हुआ 75 करोड़ रुपए एज अ डिविडेंड बांटा जा सकता है, वो डिविडेंड जब आपकी बुक्स में आएगा तो उस पर आपको देना पड़ेगा 35.8% टैक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो अज्यूम कर ही लो कि वो 30% टैक्स स्लैब में है, तो 30% टैक्स स्लैब के बाद 15% सरचार्ज भी लगता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, और उसके ऊपर सेस भी लगता है, तो कुल मिलाकर ये अमाउंट बैठता है
100 करोड़ अगर आप लेना चाह रहे हो कंपनी से एज अ डिविडेंड, तो आपको केवल 49 करोड़ या उससे भी थोड़ा कम अमाउंट मिलेगा, 51 करोड़ रुपीज एज अ टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना होगा। अब यही अमाउंट 100 करोड़ रुपए एज अ सैलरी अगर लिया जाता है, तो इस पर्टिकुलर केस में जो 43% 42.7 टू बी प्रिसाइज परसेंट के हिसाब से टैक्सेशन होगा, क्योंकि 30% टैक्स, फिर उसके बाद 37% सरचार्ज और बचा हुआ सेस मिलाकर ये बन जाता है 42.7%। यानी इस केस में भी आप लगभग 100 करोड़ रुपए में से 43 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को ऐसा टैक्स दे देंगे, लेकिन दिस इज स्टिल लेस देन गिविंग टैक्स इन केस ऑफ डिविडेंड, क्योंकि वहां पर 51 करोड़ रुपए टैक्स लग रहा है और यहां पर आपका टैक्स लग रहा है 43 करोड़ रुपीज। तो लास्ट पॉइंट, किस केसेस में आपको प्राइवेट लिमिटेड बनानी चाहिए, किस केस में आपको नहीं बनानी चाहिए। तो अगर आपकी कंपनी किसी रिस्की वेंचर में जा रही है, जहां पे आपको डेट लेना पड़ेगा, आपकी बहुत सारी लायबिलिटीज बन सकती है, लॉस की चांसेस बहुत ज़्यादा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक्सटर्नल कैपिटल रेस करनी पड़ेगी, आपको फंडिंग रेस करनी पड़ेगी, आपको स्टार्टअप बनाना है जिसमें आपको एक्सटर्नल फंडिंग रेस करनी है और बाद में मे भी अपना स्टेक बहुत हाई वैल्यूएशन पर बेचना है, अगर यही पूरा गेम है, अगर वैल्यूएशन आपका गेम है, अगर बिजनेस रिस्की है, वहाँ पर लॉस होने की संभावना है, उस पर्टिकुलर केस में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। किस केस में आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनानी चाहिए टैक्स को ध्यान में रखते हुए, वो केसेस हैं जब आपका बिजनेस डे वन से प्रॉफिटेबल है, जब उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है, जब आपको ग्रोथ कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, आप ऑर्गेनिक तरीके से उसको ग्रो करना चाहते हो, आपको किसी भी तरह का लोन नहीं लेना है, अल्टीमेटली आपके ऊपर लायबिलिटीज़ कुछ भी नहीं है, तो आप लिमिटेड लायबिलिटी क्या करोगे, जब लायबिलिटीज़ है ही नहीं तो लिमिटेड की बात नहीं आती है। तो उस पर्टिकुलर केसेस में आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना स्टेक उसमें बेचना नहीं चाहते हो, आप वैल्यूएशन का गेम नहीं खेलना चाहते हो, तो उस केस में जब आप कंपनी से प्रॉफिट लेंगे, डिविडेंड में से अपना हिस्सा लेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टैक्स उसमें देना पड़ेगा। आप सैलरी रूट से ज़रूर जा सकते हो, लेकिन उस रूट में आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा बनिस्पत के अगर आप एक पार्टनरशिप या LLP बनाते हो, वहाँ पर आप कंपनी के टैक्स के रेट के हिसाब से टैक्स पे करते हो और जो प्रॉफिट शेयर है वो टैक्स एग्जम्प्ट रूप से अपने पास लेते हो, तो आपको कम टैक्स लगेगा। तो आई नो दिस इज़ स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, बट अगर आपको अल्टीमेटली बड़ा बिजनेस करना है और अपना थोड़ा सा टैक्स बचाना है, तो ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। एक और चीज़ के साथ मैं आपको छोड़ते हुए जा रहा हूँ, अनूप सर के साथ जो मेरा कंप्लीट इंटरव्यू है प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में अनलिस्टेड वीडियो के रूप में दे रहा हूँ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।